राजस्थान के बारा अठरू सर्किल के कवाई थाना क्षेत्र के भगवानपुरा गांव में बुधवार को आधा दर्जन लोगों ने लाठी सरिये पत्थरों से वार कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर SP कल्याणमल मीणा ने पहुंचकर प्रभावी कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं। उधर पुलिस ने अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया एवं वारदात में शामिल दो जनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। थाना जिला अधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि छीपडोह निवासी मृतक के भाई नंद सिंह ने शिकायत में बताया कि उसका भाई पापडोह निवासी रविंदर उर्फ भोजराज पुत्र रामचरण उम्र 35 साल जाति खाती निवासी जनावर हाल मुकाम छिपाबडोह बुधवार बाइक पर किसी काम से अपने पैतृक गाँव अजनावर जा रहा था। इसी बीच भगवानपुरा गांव के समीप घात लगाकर करीब आधा दर्जन लोग बैठे हुए थे। उन्होंने भोजराज को रोककर अचानक लाठी सरिया पत्थर से हमला कर दिया। इसमें रविंद्र हाथ एवं सिर में गंभीर चोट आई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रविंद्र को मरणासन्न अवस्था में संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इससे पहले ही रविंद्र ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने बताया कि मृतक के सिर में गंभीर चोट है, हाथ भी टूटा हुआ था। निर्मम हत्या के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटना को लेकर प्रभावी कार्यवाही की मांग की है। रहने वाला है वो भगवानपुरा गाँव में जा रहा था, तो उसका एक मर्डर हो गया। मर्डर के बारे में सामने आया कि वहाँ भगवान प्राके रहने वाले एक मेघराज और उसके भाइयों ने मिलकर उसका मर्डर किया। मर्डर के पीछे भी प्रारंभिक जानकारी है कि कोई जमीनी संबंधी पुराना मैटर रहा हुआ है। क्या मैटर क्या रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएंगे। अभी दो व्यक्ति को लेकर आए हैं, जस्ट लेके आए हैं, उससे बात पूछताछ की जाएगी, विस्तृत अनुसंधान। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।